कन्हैया बहुत देखिए, हम बहुत पेशेंटली, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो नेटवर्क है बहुत निष्पक्षता से सभी बातों को रखने में यकीन करता है, और हमने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैं हारे हुए के साथ जरूर खड़ा रहता हूं, लेकिन ऐसी कोई तर्कसंगत बात जिसको कि सामने आना चाहिए उसको हमने कभी दबाने की कोशिश नहीं की। और जो भी सहारा का पक्ष, मैं तो पहले से शुरू से कहता था कि सहारा का पक्ष रखने के लिए कोई ना कोई जरूर आए, और उनको हम पूरी तरह से, उनका पूरा हम सम्मान भी करेंगे और उनको हम वक्त भी देंगे। आपने अपना पक्ष रखा है, यही मैं चाहता हूं कि ध्यान से सब सुने। अब जैसे आपने अपना पक्ष रखा, बहुत मजबूत तर्क दिए, कुछ लोगों के सवाल हमारे पास हैं जो मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद नागेंद्र जी वगैरह सब आपसे सवाल करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शंभु, अगर शुभम आपको ज्वाइन करें, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि आपके तरफ से ही प्रश्न उठाए गए थे, उस प्रश्न का उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 40 मिनट तक जवाब दिया है, 40 मिनट तक, तो बहुत अच्छा जवाब है। अब इन सारे जवाबों पर बहुत सारे सवाल हैं, नागेंद्र जी भी अपने तर्कस तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से कन्हैया जी ने जवाब दिया है, उसी प्रकार से मर्यादा में रहते हुए, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके अमर्यादित शब्द का प्रयोग ना करें। अभी देखिए, जिस तरह से हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, सारी बातें खुल करके सामने आ रही हैं, और इससे ही हम सबका भला होने वाला है, इसी से निवेशकों का पैसा मिलने वाला है, एजेंट का पैसा मिलने वाला है, सरकार पर दबाव बनने वाला है, और सरकार जो 3-5 करने का अगर थोड़ा सा भी करेगी ना, तो उसको हम लोग सब मिल करके उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। और इसमें अगर आपको सहयोग लेना पड़े सहारा ग्रुप का, तो वो भी सहयोग लीजिए, या सहारा ग्रुप को अगर इसमें अगर वो हास्य पर उसको करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक दो सवाल मैं आपसे कन्हैया जी पूछना चाहता हूं। इतना प्रमाणिक तरीके से आपने जवाब दिया कि कभी भी कानून की अवहेलना सहारा ग्रुप ने नहीं की। आपने कहा कि बहुत 2-3 कंपनियां सहारा की सेबी में भी रजिस्टर्ड है, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अधीन काम कर रही है, आरओसी में जो रजिस्टर ऑफ कंपनी है उसके अधीन भी काम कर रही है। दो मेरा महत्वपूर्ण सवाल जो यहां लोग पूछ रहे हैं, मैं लोगों के सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अभी जो पैनल में लोग हैं वो तो आपसे पूछेंगे ही। एक सवाल कि क्या कभी भी हाईकोर्ट ने ये कहा कि सेबी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल गलत हैं और ये सवाल आरओसी को पूछना चाहिए? नंबर वन, क्या ये सवाल आरओसी का है? ये जो ऑपरेशन सहारा ग्रुप कर रहा है वो आरओसी का विषय वस्तु है, ना कि सेबी का विषय वस्तु है? क्या कभी ने ये कहा? ये भी आपको, ये जनता के सवाल है, ये आपको जवाब देना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू कि अगर सारी बात सही है तो आज 2023-24 में उनके देहावसान के बाद उनके परिवार के 2 पुत्र हैं, और हमें जो जानकारी है कि बड़े वाले पुत्र तो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इन सब चीजों में लगभग 10-12 वर्षों से, और छोटे वाले पुत्र शायद ले रहे थे इंटरेस्ट, वो बाहर में अपना व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन क्या लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, उन दोनों पुत्र को देहावसान के बाद, अगर सब कुछ इतना सही था, कानूनी रूप से आप मजबूत थे, उनको उनको क्या डर सता रहा था कि वो यहां आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये एक शंका है, और ये जिस प्रकार से, जिस मजबूती से सुब्रत रॉय जी ने लड़ाई लड़ी, और वो हमेशा कोर्ट में कहते रहे कि मैं गलत नहीं हूं, और जैसा आपने कहा कि अभी तक एक अप्रिहेंशन चल रहा था कि उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, गलती स्वीकार नहीं की, अकड़ में रहे, ऐसी बात नहीं है, आपने कहा कि नहीं उन्होंने माफी मांगी कोर्ट में जाकर के, और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे समय दीजिए मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन ये बात नहीं सुनी गई और उनको जेल भेज दिया गया, ये आपका तर्क है। तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि दोनों पुत्र क्यों नहीं आए अगर कानूनी रूप से सब कुछ ठीक चल रहा था तो? अदालत में केस होता है, होते रहता है, कोई बात नहीं है, खास बात नहीं है, उनको आना चाहिए था। दूसरा सवाल वो पूछ रहे हैं कि अदालत ने आरओसी की बात को स्वीकार किया, और अगर अदालत आरओसी की बात को ही स्वीकार कर लेता, जो सहारा का तर्क था, अगर ये तर्क स्वीकार हो जाता तो सेबी पीछे हट जाती, सेबी कहती कि साहब ये मेरा लुकआउट नहीं है, ये तो आरओसी का है, हम खामखा इनको परेशान कर रहे हैं, और तब अगर सेबी के पास आईपीओ के लिए जो जाते उसमें जो नियम की प्रतिबद्धता थी उसको वो जज करते, उसके हिसाब से वो रिजेक्ट करते या एक्सेप्ट करते आईपीओ की बात को? ये 2 सवाल हैं।
आप मेरे ख्याल से अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप ज्वाइन, अच्छा उनके ऊपर फोन आ गया है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए कन्हैया जी, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे। नागेंद्र जी अब आप अपने तर्कस से निकालेंगे, या अभय कुछ बोलना चाहते हैं या नागेंद्र जी को बोलें? जिनको आप बोलेंगे सर वही बोलेंगे, बीच में अगर हम बोलेंगे तो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी का हस्तक्षेप नहीं। हाँ नागेंद्र जी बोलिए जी। धन्यवाद कन्हैया जी, पर स्क्रीन पर ले लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार, और जितने भी इस लाइव को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। कन्हैया जी से मैं रेंडम कुछ दो चार सवाल करूंगा सर, रेंडम, बाकी जितना भी बात कह रहे हैं चलिए सारा बात इनका सच है, एक बात इनका झूठ नहीं है, सब सही है। कुछ रेंडम सवाल मैं जानना चाहता हूं, चूंकि उस दिन का जो लाइव समाप्त हुआ था और आपने एक लास्ट में वर्ड यूज किया था कि 30 साल का बना हुआ रिपोर्टेशन कैसे उजड़ गया, कौन दलालों ने इसको बर्बाद किया, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना था और वहीं से इसका शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये वर्ड किसी ने नहीं कहा कि सहारा इंडिया 2010 के पहले खराब थी, किसी ने नहीं कहा, सबने एक्सेप्ट किया, मैं भी कर रहा हूं कि 2010 के पहले तक सहारा इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मोटा मोटा पैसे आ भी रहे थे, दिए भी जा रहे थे, सहारा अपनी संपत्ति भी बना रहा था, लोगों का ट्रस्ट भी था, कार्यकर्ता को काम करने में उतनी परेशानी नहीं थी, सब कुछ सही था, इस पर तो कोई बुरी नहीं उठा रहा। दूसरा चीज, एक बात से मैं आज कई बार बोल चुका हूं, फिर से आज कह रहा हूं, कन्हैया जी के एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी नहीं, इसीलिए जो लोग बर्ड सेफ्ट वगैरह की जो बात करते हैं इस पर लागू नहीं, क्योंकि सहारा इंडिया हमें रेगुलेटर के अंदर काम किया है, चाहे कभी उसका रेगुलेटर आरबीआई रहा हो, कभी उसका रेगुलेटर सेबी रहा हो, और कभी उसका रेगुलेटर आईआरडीए, इसीलिए एक कंपनी लावारिस नहीं है। या आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा जो पैसा फंसा हुआ है वो है सीआरसी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उसके भी रेगुलेटर माननीय सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है, जिनके मंत्री हमारे माननीय अमित शाह, इसलिए अमित शाह जी को बार बार कहना पड़ा, आज तक उन्होंने शायद ही किसी चिट फंड कंपनी के बारे में कहा होगा कि पैसे मैं दिलवाऊंगा, लेकिन इस कंपनी के बारे में बार बार बोलते हैं, तो इसीलिए इस बात से हम उनसे 200% सहमत हैं कि सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी नहीं है, और हम लोगों ने कभी चिट फंड यूज भी नहीं किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जो लोग इस लाइव को देख रहे होंगे, जो सहारा के पक्ष में भी खड़े हैं, आज उनको इस लाइव से बहुत बड़ा सबक लेने की जरूरत है। जो मैं थोड़ी देर पहले भी चैनल पर कह रहा था, कितनी बेदागी से नहीं मानने को तैयार है कि सहारा इंडिया ने कन्वर्जन करवाया, हिसाब करें कि सहारा इंडिया ने कोई कन्वर्जन नहीं करवाया, सेम एफिडेविट टेप फाइल भी करने वाले गोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।